सो ही व्हाट्सअप गाइज, आज फिर से आपका भाई एक कमाल का फोटो एडिटिंग लेकर आ चुका है, जो कि दोस्तों आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना है मेरी तरह सेम टू सेम, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप भी ऐसा सनसेट वाला फोटो एडिटिंग कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा आसानी तरीके से। यहाँ पर मेरा फेस का कलर देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है, एंड गाइज बैकग्राउंड तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊँगा, एंड गाइज पूरा का पूरा स्टेप बाई स्टेप को समझाऊंगा। और जैसा कि यहाँ पर मेरा नॉर्मल सा फोटो आप लोग देख सकते हो कितना बेकार है, लेकिन दोस्तों मैं इसी फोटो को एडिटिंग करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हो क्वालिटी कैसा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इस फोटो को ऐसा एडिटिंग कर सकते हो। और गाइस, इस तरह का फोटो काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पे या फिर किसी ऐप पर वायरल होता है, ठीक है ना। तो गाइस, आपका भाई बताएगा इस तरह का फोटो कैसे एडिटिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, ये हमारा नॉर्मल का फोटो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने फोटो को क्या करना है, स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर लेकर चलना है। तो चलिए आपका भाई बताएगा वहां पर क्या करते हैं कि दोस्तों फोटो अच्छा बने, ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट करके टूल्स पे आ जाना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टून इमेज पे आना है, और यहाँ पर अम्बाइंस वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा हाई करना है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। इसको करने के बाद टूल्स पे फिर से आएंगे, और ऊपर में जो ये आपको डिटेल्स में दिख रहा है ना, यहाँ पर डिटेल, इस पर आएंगे, क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा हाई करेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ठीक है ना। नीचे वाले को भी थोड़ा सा एंड सही कर देंगे, एंड इस एरो पे आ जाएंगे, व्यू एडिट पे आ जाएंगे, डिटेल्स पे आके बीच वाले पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, ठीक है ना। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये इफेक्ट लग जाएगा, और आपके अपने फेस पर का इफेक्ट को हटा देना, बाकी जगह वैसे ही छोड़ देना है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि दोस्तों आप स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ कर लो। इसके बाद ये काम जैसे कंप्लीट होता है, इसको आपको सही कर देना है, और आपको बैक जाना है, और आपको यहाँ पर आ जाना है क्रॉप पे, क्योंकि ये फोटो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, लगभग इतना पर रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों इस फोटो को मैं शेयर कर दूंगा लाइट रूम के अंदर। तो चलिए लाइट रूम के अंदर कौन सा प्रीसेट यूज करूंगा कि हमारा फोटो कमाल का बन जाए। एंड गाइस, ये प्रीसेट का लिंक में मैं आपको दे दूंगा, सब कुछ आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, किस तरह से क्या क्या करना है, सब कुछ आपका भाई बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मेरा जो फोटो है ना, वो जा चुका है लाइट रूम के अंदर। तो क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, एंड आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने कौन सा प्रीसेट यूज किया कि ये फोटो हमारा अच्छा बना, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है, मैं आपको फोटो को सबसे पहले दिखाता हूँ कहाँ पर फोटो हमारा आया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा फोटो आया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका एक ऑलरेडी प्रीसेट बना दिया, ठीक है ना। इस प्रीसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आपको सिंपल सा कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपका फोटो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है ना। तो शेयर वाले पे आ जाएंगे, और शेयर करने के बाद दोस्तों आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फेस पर जहाँ जहाँ लाइट कम है, ब्राइटनेस कम है, वहाँ पर हमको हाई करना होता है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, और हल्का सा ब्राइटनेस हाई करना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ लाइट कम लगे, ब्राइटनेस कम लगे, आप वहाँ पर बढ़ा के वाइट कर सकते हो। ये दोस्तों रहा हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है ना। तो इतना जैसे आपका काम हो जाता है, यहाँ पर हाथ पर भी आपको कर लेना है, जैसा कि मैं करके आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा स्टेप बाई स्टेप, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप करने के बाद हमारा फोटो देख सकते हो कितना कमाल का लगने लगा है। यहाँ पर क्वालिटी तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और ज़्यादा क्वालिटी करने के लिए डिटेल्स पे आके और इसको थोड़ा सा हाई कर देंगे, तो ये और ज़्यादा क्वालिटी हो जाएगा। तो सही कर देंगे, एंड इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा फोटो सेव हो जाता है, तो हमको एक और चीज़ कर लेना है। क्या करना है, इसको स्मूथ करना है। तो आपको स्केच बुक एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पे आके, अपने फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फोटो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये फोटो को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करके और इसका सेटिंग इतना पर कर देना है, और क्या करना, आराम से जूम कर लेना है,
और हल्का फुल्का आपको फेस को ऐसे स्मूथ करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का, ठीक है ना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से मैं दोस्तों सारे फोटो एडिटिंग करता हूँ, एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना कमाल का ये हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं पूरे फेस पर अपने कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखिए कितना आसानी तरीके से गाइस। तो यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है, मैं आपको पूरा फेस स्मूथ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना आसानी तरीके से मैंने इसको स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इस तरह से दोस्तों आप अपने फेस को भी स्मूथ कर सकते हो। अगर आपको यकीन है तो आप सेम टू सेम स्टेप ट्राई करो, आपका भी फोटो सेम टू सेम हमारे ही जैसा बनेगा, ये दोस्तों 100% की गारंटी है, क्योंकि दोस्तों आपका भाई पूरा का पूरा रियल ट्रिक के साथ वीडियो लाता है दोस्तों। और दोस्तों जिसको प्रीसेट चाहिए दोस्तों, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मैं हमेशा अपने प्रीसेट को चेंज करता हूँ और हमेशा एक नया नया प्रीसेट देता हूँ। तो आप वहाँ से सिंपल सा इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों क्या क्या करना है, आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। सब कुछ आपका भाई बताएगा, ठीक है ना, एक भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा। तो यहाँ पर इतना स्मूथ हमारा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अब दोस्तों गर्दन बाकी है, तो इसको भी कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा लगेगा तो सब अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इतना जैसे दोस्तों हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गर्दन को भी कर लेना है स्मूथ इस तरह से, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितना आसानी तरीके से मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है ना। ये देखिए कितना ज़्यादा हमारा फोटो पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर पहले कितना ख़राब था, लेकिन दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से दोस्तों हमको कर लेना है पूरे फेस को स्मूथ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए देख सकते हो कितना आसानी तरीके से मैंने इसको स्मूथ कर दिया, ठीक है ना। और हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद हाथों पर भी थोड़ा सा ब्रश को यूज कर लेंगे, ताकि दोस्तों ये भी स्मूथ लगे और इससे हमारा हाथ भी अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर करने के बाद हमारा फ़ोटो कुछ ऐसा दिखने लगा है, ये देख सकते हो आप लोग कितना कमाल का लग रहा है गाइस, ठीक है ना। तो इतना काम हो चुका है, तो अब थोड़ा सा अपने लिप रेड को, सॉरी जो अपने लिप है यानी कि ओठों को थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस वाले ब्रश पे आ जाएंगे, ये वाला सेटिंग सिलेक्ट कर लेंगे, इसको फुल कर देंगे, ठीक है ना। फुल करने को दोस्तों आपको इस पे आ जाना है, और इसको आपको जो भी कलर करना हो कर लेना है, यानी कि मैं रेड करता हूँ। रेड करने को दोस्तों यहाँ पर अपने फोटो का एक डुप्लीकेट करके अपने ओठों पर ऐसे आपको लगा देना है, ठीक है ना। शायद को छोटा ही करके लगाएगा, तभी ये अच्छे तरह से लग पाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको कर देना है, इसके बाद आ जाना जो डुप्लीकेट किया उस पर, इसका ऑपसेटी आपको लो कर देना है अपने हिसाब से, बस इतना काम खत्म। एंड गाइस यहाँ पर फोटो बन के रेडी, तो इसको सेव कर लेंगे। और हमारा फोटो यहाँ पर सेव तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर बाकी है, वो है क्या दोस्तों, आइए बताता हूँ। तो इतना काम जैसे आपका हो जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में लाइट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कैसे मैं करता हूँ, एंड दोस्तों वैसे आप भी कर सकते हो। तो आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए गाइस, LD, ठीक है ना। इस LD एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फ़ोटो को सिंपल सा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपका फ़ोटो होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाना है आपको, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला ब्राइटनेस वाला, ठीक है ना। तो सॉरी इस पर आपको ब्राइटनेस वाले पे लाइट वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अपने हिसाब से जहाँ हमको अच्छा लग रहा है वहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से एक और प्लस करके इसको ऐड कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से गाइस देख सकते हो आप लोग मैं कैसे किया गाइस, इतना करने के बाद फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। तो इसके बाद इस पर क्लिक करके इस फ़ोटो को मैं सेव कर लूँगा, ठीक है ना। तो जैसे हमारा फोटो यहाँ पर सेव हो चुका है, अगर आप अपने हेयर को बड़ा करना चाहते हो तो एडोब का यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं उसको रहने देता हूँ। अब दोस्तों बारी है लाइट रूम की, तो क्या करेंगे लाइट रूम के अंदर, तो आइए बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अपने फ़ोटो को शेयर कर देना लाइट रूम के अंदर। यहाँ पर देखिए लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर जैसे आपका फ़ोटो चला जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या स्टेप करना है कि आपका फ़ोटो कमाल का बने, तो आइए बता देता हूँ, सब कुछ आपका भाई बताएगा, ठीक है ना। बस आपको वीडियो को देखते रहना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, अगर आप लोग यहाँ पर एडिट करते हो यानी कि लाइट एडजस्ट करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्या करना है, वहाँ पर एक और प्रीसेट मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। इस प्रीसेट को मैंने पूरा एडिट करके रखा है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, कॉपी करना है,
और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट अपने फोटो में आपको पेस्ट कर देना, जो कि एक ही क्लिक में आपका फोटो बना के रेडी कर देगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर होम स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा फोटो बन चुका है दोस्तों, कितना कमाल का लग रहा है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। सो गाइज, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। सो गाइज, अगर आपको ऐसे ही एडिटिंग के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।